الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يزل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العلي العظيم سورة غافر کی آخری آیتیں ہیں اور جہاں سے آج ہم نے تلاوت شروع کی ہے یعنی آیت نمبر 67 سے اس سے پہلے کی ہم دو آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر
और आसमान को इमारत करार दिया है। देखिए कुरान मजीद का एक एक शब्द सोचने जैसा होता है, आप जितना उसमें सोचोगे उतने आपको नई नई चीज़ें मालूम होंगी। यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ही वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मुस्तकर और आसमान को इमारत करार दिया है और तुम्हारी सूरत को बेहतरीन सूरत बनाया है और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है, वही तुम्हारा परवरदिगार है। तो आलमीन का पालने वाला किस कदर बरकतों का मालिक है। अब यहां के ऊपर ये जो कहा गया कि बेहतरीन सूरत उसने बनाई है तुम्हारी, इसमें यहां के ऊपर एक छोटी सी तफसीर है, तो वो यहां पर हम पढ़ लेते हैं, बयान कर देते हैं। इंसान एक नज़र फकत अपने सरापा पर कर ले, सरापा का मतलब वजूद के ऊपर, जिस्म के ऊपर, सर से लेके पैर तक एक नज़र अपने ऊपर दौड़ा ले, सर के बालों से लेके और पैर के तलवे और नाखूनों तक, तो मारफत खुदा और ईमान और यकीन के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं रहेगी। आम तौर से होता है कि अल्लाह बताइए दलील है कैसे, क्या दलील है अल्लाह है। अगर इंसान खाली अपने बालों से लेके और अपने पैरों तक इन तमाम आज़ा के ऊपर गौर कर ले तो उसे किसी चीज़ की दलील की, किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। ना उसके ईमान के लिए दलील चाहिए, ना उसकी मारिफत के लिए दलील चाहिए, ना उसके यकीन के लिए दलील चाहिए। यही बेहतरीन यकीन के लिए दलील है, यही बेहतरीन मारिफत के लिए दलील है, यही बेहतरीन ईमान के लिए दलील है। एक बालिश्त के पैदा हुए बच्चे के जिस्म के अंदर, बच्चे पैदा होते हैं, बास बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर आप उनका हिसाब कीजिए तो एक बालिश्त से ज़्यादा नहीं होते, उनका जो वजूद होता है बच्चों का वो एक बालिश्त से ज़्यादा का नहीं होता है, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको पेटी में आजकल रखते हैं। अब ये भी एक फैशन चला, ना पहले ना पेटी थी ना कुछ था, और ऐसे ही सब बच्चे पल जाते थे और सब बढ़ जाते थे। अब एक ये भी एक फैशन है, अब विलादत हुई जाके अब उनका खर्चा दीजिए आप 5,000-10,000 रुपए। तो एक बालिश का बच्चा, अगर आप बच्चे के जिस्म के अंदर यानी जिस्म के ऊपर गौर करें कि जिस्म के अंदर कौन सा जरूरत का सामान है जो अल्लाह ने नहीं रखा है। एक बालिश का बच्चा है और इस एक बालिश के बच्चे को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने उसके अंदर रख दी हैं। और कौन सी चीज़ है जो किसी नामुनासिब मकाम पर रख दी गई हो, नामुनासिब को मतलब जो चीज़ जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ लगा दी, वो शाज़ो नादिर कभी कभी आप हालात वाक़या सुन लेते हो, अलग चीज़ है, लेकिन निज़ाम में ये चीज़ नहीं है, सिस्टम में ये चीज़ नहीं है। वो इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं, अपनी कमियाँ होती हैं, अपनी कोताहियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ और सर की जगह पैर और पैर की जगह सर हो जाता है। वरना अल्लाह ने जो इंसान का जिस्म बनाया है उसमें आप कहीं से भी कोई कमी, कोई ऐब, कोई नक्स नहीं पाएंगे। किसी भी उज्व बदन को अगर कम कर दिया जाए, उज्व कहते हैं हिस्से को, अगर जिस्म के किसी एक भी हिस्से को कम कर दिया जाए या उसे उसकी जगह से हटाकर देखा जाए तो अंदाज़ा होगा कि इंसान मौजूदा सूरत में किस कदर हसीन और खूबसूरत है। आप ये नाक यहाँ पे लगी है, इस नाक को यहाँ से हटा दीजिए और फिर देखिए कि ये जो हमारे पहले वाली सूरत थी ये अच्छी लग रही थी या बगैर नाक के हम अच्छे लग रहे हैं। आप कान यहां दोनों हैं, अब ये कान यहां दोनों से हटा दीजिए, अब आप फोटो देखिए कि बगैर कान के आप अच्छे लग रहे हैं या कान के साथ अच्छे लग रहे हैं।
तो अंदाजा होगा कि इंसान मौजूदा सूरत में किस कदर हसीन और खूबसूरत है। और इस सूरत के बदल जाने के बाद किस कदर कबीहुल मंजर और करीहुल मंजर। करीहुल मंजर कहते हैं कि जिस चीज को देख के इंसान मुंह बनाए रहे, ये कैसा लग रहा है। होता है कि जरा सा अगर किसी की सूरत बिगड़ी हुई देख, अरे ताज्जुब करते हैं ये कैसा हो, तो आपको अजीब सा लगेगा कि इसकी आंख जहां नहीं होना चाहिए वहां है, इसका कान जहां नहीं होना चाहिए वहां है, जिसका नाक जहां नहीं होना चाहिए वहां है, और नाक छोटी होना चाहिए कितनी बड़ी हो गई, कान छोटे होना चाहिए कितने बड़े हो गए, वगैरह वगैरह। ये तो उसकी जाहिरी सूरत का हाल है, ये तो इंसान की जाहिरी सूरत का हाल है। इसके बाद मानवियात पर निगाह की जाए तो इंसान के होश और हवास सलामत नहीं रह जाते। अगर आप गौर करेंगे मानवियात के ऊपर, जो उसके नफ्स में, उसकी रूह में अल्लाह ने चीजें रखी हैं, एक इंतहाई मुख्तसर से दिमाग में इस कदर सलाहियत और एक इंतहाई मुख्तसर से दिल में इस कदर जज्बात। जबकि क्या है, गोश्त का एक टुकड़ा है भाई, भेजा क्या होता है, खाते कि नहीं खाते उसको, भेजे को, भेजा खाने में तो सबको अच्छा लगता है, तो भेजा जो है, भेजा क्या है, बजाय बात गोश्त का एक लोथड़ा ही है, टुकड़ा ही है, दिल है, दिल क्या है, आप उसकी बोटी करो भाई, एक टुकड़ा ही है बोटी का। लेकिन इस दिल के अंदर अल्लाह ने क्या रख दिया है। अब गोश्त कहीं सोचता है, कहीं समझता है, कहीं उसके अंदर कुछ, या इस दिमाग के अंदर कोई वो सूरतों को पहचान लेता है और बाकी तमाम चीजों को महसूस कर लेता है। अकायद की किताब है तौहीद, नासिर मकारिम शिराजी साहब की ममिया दीनी दर्स में, ये पहले दर्जे में है, पहले क्लास में, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी दलील दी इसी के ऊपर, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह के वजूद के ऊपर, कि इंसान के अंदर अल्लाह ने जो सलाहियतें रखी हैं, यानी दिमाग, इंसान के पूरे इंसान के जिस्म की सबसे पेचीदा तरीन मशीनरी का नाम दिमाग है, मगज। इस मगज के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, अगर आप हिसाब कीजिए तो शायद पता नहीं वो कितनी छोटी सी बारीक सी चीज होगी कि जो अल्लाह ने उसके अंदर फिट की है, लेकिन आप ये बारीक सी चीज कितनी फाइलें बनाई हुई है। आप देखिए, अगर कंप्यूटर वगैरह से वाकिफ है तो आपको अंदाजा होगा, मेमोरी डालते हैं उसके अंदर, नहीं मेमोरी डालने के बाद फिर हर चीज की फाइल बनती है। अब आपको भावनगर जमात की फाइल बनाना है, अब आप भावनगर जमात की फाइल बना लीजिए, उसके अंदर भावनगर जमात, मस्जिद, मस्जिद के फोटो, मामबाड़े के फोटो, यहाँ के लोगों के फोटो, यहाँ सबके फार्म, यहाँ सबके घर, सबका घरवारा, सबका किराया, पूरी एक फाइल आप डाल दीजिए एक, ये तो एक फाइल हुई। अब आप उसी में, उसी चिप में दूसरी फाइल डाल दीजिए, आप उसी में तीसरी डाल दीजिए, अब जिस जो भी फाइल खोलना, एक क्लिक करेंगे वो फाइल सामने आ जाएगी। कंप्यूटर को मसलन फिर भी कम से कम चालू करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, और उन फाइलों में से फिर भी वो कम से कम तलाश करती, घूमती है, राउंड करती, फिर खोज के तलाश करके लाती है। लेकिन आप देखिए, अल्लाह ने जो इस जहन के अंदर रखा, फिट किया फाइलों को, आप यहां से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद की एक फाइल आपके जहन में फिट हो गई, जैसे ही हमने कहा अहमदाबाद, आपका जहन घूमने लगा, अहमदाबाद, सरखेज, जुआपुरा, कालूपुर, सब फौरन दिखाने लगेगा अंदर आपको ये पूरी एक फाइल। तो इस कुदरत को आप देखें, यही यहां पर बयान कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमारा जिस्म है कि जहां सर से लेके पैर तक अल्लाह ने नहीं मालूम क्या क्या रख दिया इसके अंदर, कि जरा भी आप इधर से उधर हटा नहीं सकते। इसके अलावा इंतहाई मुख्तसर दिमाग में इस कदर सलाहियत
और एक इंतहाई मुख्तसर दिल में इस कदर जज्बात और एहसासात और एक इंतहाई मुख्तसर से वजूद में इस कदर तख्लीक और तसर्रुफ की इस्तेदाद और काबिलियत। इसी इंसान के वजूद में कुछ ऐसे अल्लाह ने जर्रे रखे हैं कि वही इंसान की तख्लीक का जरिया बन जाते हैं। फिर इसके बाद इंसान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, दो किस्मों में तकसीम करके हर एक के वजूद में दूसरे के वजूद की कमी को पूरा करने की सलाहियत रख दी गई और हर एक को दूसरे का मुकम्मल करार दिया गया। ये कमाल कुदरत तो सनअत की दलील नहीं तो और क्या है? फतबारकल्लाहो अहसनुल खालिकीन। एक किस्म का नाम है मर्द और एक किस्म का नाम है औरत, और दोनों को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम करार दे दिया। कुछ मर्दों की कमियां हैं जो औरतें पूरी कर देती हैं, जो मर्दों में कमियां होती, जो औरतों कमियां होती मर्द पूरी कर देते हैं उसको। दोनों को एक दूसरे की तकमील का जरिया बनाया। अब आइए आगे, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा तुम लोग खुलूस के साथ, दीन के साथ, खुलूस इखलास दीन के साथ उसकी इबादत करो कि सारी तारीफ उसी आलमीन के पालने वाले खुदा के लिए है। आप कह दीजिए कि मुझे इस बात से मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पूछते हो और प्रस्तिश के काबिल बनाए हुए हो, जबकि मेरे पास खुली हुई निशानियां आ चुकी हैं और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन का इताअत गुजार बंदा रहूं। लिहाजा हम अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे की इबादत और पूजा नहीं कर सकता। वही खुदा है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और नुतफे से, फिर नुतफे से, फिर जमे हुए खून से, और फिर तुमको बच्चा बना दिया, और बच्चा बनाकर बाहर लाता है और फिर जिंदा रखता है कि तमानाइयों को पहुंचो। जिंदा रखता है ताकि तमानाइयों को पहुंचो, फिर बूढ़े हो जाओ और तुम में से बास को पहले ही उठा लिया जाता है। कुछ बचपन ही में उठा लिए जाते हैं, कुछ जवानी में उठा लिए जाते हैं, कुछ आखिर उम्र तक जिंदा रहते हैं। और तुमको इसलिए जिंदा रखता है कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक पहुंच जाओ, जो तुम्हारा टाइम फिक्स है उसके यहां, उस टाइम तक तुम पहुंच जाओ। अगर हम जिंदा हैं तो अल्लाह के यहां हमारा टाइम मुय्यन है, उस टाइम तक कोई मार नहीं सकता और हम मर नहीं सकते। वो टाइम जब आएगा तो इंसान चाहे कुछ करे ना करे, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और शायद मुद्दत को पहुंच जाओ, शायद तुम्हें अक्ल भी आ जाए। वही वो है जो हयात भी देता है और मौत भी देता है। फिर जब किसी बात का फैसला कर लेता है तो उससे कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। मैंने इस सिलसिले में पहले भी आपकी खिदमत बयान किया है कि ये हो जा और हो जाना ये खाली हमारे समझाने के लिए है, वरना इरादे का ताल्लुक कहने से नहीं होता है। इरादे का ताल्लुक, भाई आप नियत है, नमाज में नियत है, आपने इरादा किया कि हम मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई वाजिब थोड़े कि आप जबान से कहो, इरादा काफी है। आप नमाज के लिए खड़े हो रहे हो, अल्लाहु अकबर, दिल में इरादा है कि हम मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, बस इतना काफी। तो इरादे में कहना लाजिम नहीं होता है, ये तो हमारे समझाने के लिए अल्लाह कह रहा है कि वो कहता है कि हो जा और हो जाती है। तो लिहाजा वो उस वो खाली इरादा करता है कि ये करना है या होना है, वो चीज हो जाती है। जिन लोगों ने क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो आयात इलाहिया के बारे में झगड़ा करते हैं,
आखिर ये कहां भटके चले जा रहे हैं? जिन लोगों ने किताब और उन बातों की तकजीब की, उनको झुठलाया जिनको देकर हमने पैगंबरों को भेजा था, इन्हें अनकरीब उसका अंजाम मालूम हो जाएगा। जब उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें डाली जाएंगी और इन्हें खींचा जाएगा। परवरदिगार के करम ने एक जर्रे बेमकदार को कितने मराहिल से गुजारा और गुजार कर इंसान बनाया, और फिर दुनिया में कितनी मंजिलों से गुजर कर मरहले मौत तक पहुंचाया। लेकिन इंसान की बदबख्ती यह है कि इसके बाद भी ईमान लाने को तैयार नहीं होता और उसकी नेमतों का इनकार ही करता रहता है। तो अब उसके लिए अजाब के भी मरहले मुकर्रर कर दिए गए हैं। अगर कल मिट्टी, नुतफा, अलका, बच्चा, जवान, शेख की मंजिलों से गुजर कर मौत तक पहुंचा है, तो आज पहले गले में तौक, फिर जंजीर में जकड़ा जाना, फिर खौलते पानी में खींचा जाना, फिर जहन्नम में झोंका जाना, फिर ये सवाल होगा कि वो तुम्हारे शरीक, वो शुरका कहाँ गए कि जिनको तुम खुदा का शरीक बनाया करते थे। यानी जिस तरह तखलीक के मरहले में मादियात से मावरा, मादियात से हटकर एक अकली और रूहानी नेमत थी जिसने मादे को इंसान बना दिया था, इसी तरह अजाब के मरहले में भी एक रूहानी अजाब है। और ये सवाल है कि जिनके भरोसे पर खुदा को छोड़ा था वो तुम्हें छोड़कर कहां चले गए? ऐ काश इंसान अब भी अक्ल इस्तेमाल कर लेता और ऐसे इंसानों की पैरवी करने से बचता जिनको छोड़कर भाग जाने का अंदेशा हो। और जब पैगंबर इस्लाम को छोड़कर चले गए तो दूसरों का साथ देने का क्या सवाल पैदा होता है? खुदा को छोड़, फिर ये कहा जाएगा कि अब वो कहां हैं जिन्हें तुम शरीक बनाया करते थे खुदा को छोड़कर? तो वो लोग जवाब देंगे कि वो हमको छोड़कर गुम हो गए, बल्कि हम उसके पहले किसी को नहीं पुकारा करते थे। और अल्लाह इसी तरह काफिरों को गुमराही में छोड़ देता है। ये सब इस बात का नतीजा है कि तुम लोग जमीन में बातिल से खुश हुआ करते थे और अकड़ कर चला करते थे। जब बातिल सामने आता था तो तुम्हारे दिल में ये नहीं होता था कि ये गलत है, ये बातिल है, ये सही नहीं है, बल्कि तुम खुश होते थे। अब जहन्नम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और इसी में हमेशा रहो कि अकड़ने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। अब आप सब्र करें कि खुदा का वादा बिल्कुल सच्चा है। फिर या तो हम जिन बातों की धमकी दे रहे हैं उनमें से कुछ आपको दिखला देंगे, या आपको पहले ही उठा लेंगे, तो भी वो सब पलटकर यहीं लाए जाएंगे और यहां आपको दिखलाएंगे कि देखो जिन्होंने आपको झुठलाया था और आपके जिस खुदा की बात कर रहे थे उस खुदा को छोड़ के जिन खुदाओं को बाना था, देखो उनका हश्र क्या हुआ है, उनकी हालत क्या हुई है। और इस तरीके से परवरदिगार आलम ने और हमने आपसे पहले, तो अजाब के देखने के बाद कोई ईमान काम आने वाला नहीं था। ये अल्लाह का मुस्तकिल तरीका है जो उसके बंदों के बारे में गुजर चुका है, और उसी वक्त काफिर खसारे में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरीके से ये गाफिर का सूरह इख्तिताम तक पहुंचा, और इंशाल्लाह इसके बाद जो सूरह है वो सूरह फुस्सिलत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो ज़र्रा बराबर नेकी करेगा,
बिल्कुल कम से कम, जर्रा कभी इतना छोटा होता है कि उसको देखना मुश्किल होता, कि जो उस मकदार में भी करेगा, यानी जिसके कम होने की कोई हद और इंतहा नहीं है, उसका भी अजर पाएगा, और जो बिल्कुल ज़रा सा कोई बुराई गुनाह करेगा उसकी भी सज़ा पाएगा। ये है अल्लाह की अदालत। आप देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप अंजाम दिया करते हैं। एक मंजिल इंसान की ऐसी आती है कि वो ये सोचता है कि अब बचे ही क्या हैं, कुछ नेक अमल कर लिए जाएं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अल्लाह ने मौत को किसी के मुकर्रर नहीं किया, न उसे बताया कि किस दिन आना है। लिहाजा अकलमंद तरीन इंसान वो है जो ज़ादे आखिरत को फराहम कर ले। कभी भी कहीं का सफ़र बग़ैर ज़ादे सफ़र के नहीं होना चाहिए। जो भी सफ़र की ज़रूरतें हैं वो हमारे पास होना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बड़ा बड़ा अज़र देता है। अजीज़ों की खबरगीरी करना, ख़ानदान वालों की देखभाल करना, जिस शहर में हैं, जिस जाविये से, जिस एंगल से भी हम काम आ सकते हैं, काम आते रहें। अल्लाह ने किसी को अबस तो नहीं पैदा किया, बेकार तो नहीं पैदा किया, किसी ना किसी लायक तो है, तो हमें उस एतबार से काम आते रहना चाहिए। और कुछ मौके पर हुक्म दिया कि देखो इनकी खबरगीरी खास तौर से लो। ईद के दिन परवरदिगार ने फितरे को वाजिब किया, कहा देखो थोड़ा ही सही, लेकिन इसके बहाने से तुम्हें गरीब को तलाश करना पड़ेगा, और ये आज जो तुम तलाश कर रहे हो अपने रोजे की कबूलियत के लिए, ये इसलिए ढूंढवा रहा हूं तुमसे कि ताकि तुम इसे साल भर याद रखना। गरीबों से नहीं कहा कि तुम अमीरों को तलाश करो, उनसे कहा जिनके ऊपर फितरे को वाजिब करार दिया कि तुम गरीब तलाश करो। फिर आप देखें मौका तलाश किया, खुशियों की तारीख आ जाती हैं, कम से कम इसी बहाने सलाम कलाम किया करो। खुदा न खास्ता कोई मरीज हो गया तो उसकी खबरगीरी के लिए चले जाओ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कहावत है कि जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता है उसे अपनी हैसियत मालूम नहीं होती। खुदा न करे कोई बीमार होता है और फिर उसे कोई देखने वाला पहुंच जाता है, दिलासा देने वाला पहुंच जाता है, मशवरा देने वाला पहुंच जाता है, तो उसके पास कितनी कुव्वत और ताकत आ जाती है कि जैसे लगता है कि वो सेहतयाब हो गया। उसे उतनी ज़्यादा दवाइयों से उससे नहीं जितना ज़्यादा जो है, लेकिन उसके भी इस्लाम ने कानून और कायदे और तरीक़े मुकर्रर किए कि कैसे अयादत करना है, किस जाविये से करना है। छठे इमाम फरमाते हैं देखें अल्लाह बहाना तलाश करता है कि आपको कुछ नेकियां दे। छठे इमाम फरमाते हैं जो शख्स किसी बीमार की अयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ हो जाते हैं, जब तक कि वो अपने घर पलट कर नहीं आता है इसके लिए तलब मगफिरत करते रहते हैं। यहां से आप निकले गए वापस आए 70,000, यानी अगर एक फरिश्ता एक मरतबा भी कहता है तो आपकी तरफ से 70,000 मरतबा हुआ, जाने आने में कितनी मरतबा होगा।
हम गए उसके लिए, अल्लाह ने हमारी भलाई के लिए लगा दिया। खाली हम सोचें किसी के लिए अच्छा, इस पे भी अल्लाह अजर व सवाब देता है। फिर छठे इमाम फरमाते हैं, जो कोई शख्स रजाए इलाही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार मोमिन की आयादत करे, खुदाए ताला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएगा कि वो कब्र में उसकी आयादत करता रहे और कयामत तक के लिए उसकी तलब मगफिरत करता रहे। हम गए उसके लिए, उसे तसल्ली हुई, दिलासा हुआ, हम जिस लायक हैं, अरे इस लायक तो हैं ही हैं कि अभी डॉक्टर ने दवा लिखी, नीचे दो दादरा उतर के उसके लिए दवा ही लेके कम से कम इतना तो उसके घर वालों को बच्चों को, इसलिए कि जिसके यहाँ खुदा नखास्ता कोई एडमिट होता है तो उसके तीमारदार भी उसकी ज़ियाफ़त में बीमार पड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा वर्किंग करना पड़ती, उतरना चढ़ना आना जाना ये वो। तो अल्लाह जहाँ हमारी कब्र में कौन आएगा हमारे पास, कौन सी औलाद आएगी, किसके बीवी बच्चे आए, लेकिन उसके आएंगे जिसने किसी की आयादत की। कौन आएगा? फरिश्ता आएगा, उसका हमदम बन जाएगा, मुनिस बन जाएगा। अब बताइए, जिसके कब्र में फरिश्ते आके उससे बातें करने लगे, दिलासा देने लगे, उसकी जरूरियात को पूरा करने लगे, ये कब होगा? जब हम किसी मरीज के साथ कुछ अच्छा करें। ये फिर इमाम फरमाते हैं, जो शख्स किसी बीमार की अयादत के लिए जाए तो खुदाए ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है कि कयामत तक हमेशा उसके घर में आके खुदाए ताला की तस्बीह और तकदीस करते रहें और तहलील बजा लाया करें, और इन सब के जिक्र का निस्फ सवाब इसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। वहां इस्तगफार किया, यहां घर पे ड्यूटी लगा दी, जाओ इसके घर पे जाके तस्बीह करो, तहलील करो, तकदीस करो, और जितनी भी इबादतें करेंगे उसका अर्धा इसके नामे आमाल में लिख लो जिसने इसकी आयादत की। चौथे इमाम और पांचवें इमाम से रवायत है, जो शख्स किसी मोमिन की आयादत के लिए जाता है, रहमत इलाही इसके शामिल हाल होती है, और जब इसके पास जाकर बैठता है रहमत इलाही घेर लेती, शामिल तो हो जाती है, आप आगे आगे जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत पीछे पीछे जा रही, दाहिने है बाएं है कहीं, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको अल्लाह सब फायदा जाने ही वाले का है, उसका क्या है, उसको थोड़ा सा टॉनिक मिलता है, अरे मेरा है, मेरे खानदान वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उसे इतनी कुव्वत और ताकत मिल जाती है। आप देखें जितने ऑपरेशन वगैरह होते हैं, अगर उसमें जहनी फिशार नहीं है, टेंशन नहीं लेता है, तो बहुत आराम से उसका ऑपरेशन हो जाता है, और जितना ज़्यादा घबराता है क्या होगा, कभी बीपी डाउन, कभी कुछ, कभी उसी में डाउन डाउन में, रजन बेकजाही व तस्लीम अल्लाह हो जाता है। और जो बिल्कुल मुतमईन रहता है वो जो है पार हो जाता है। तो रहमत इलाही घेर लेती है, और जब वो वहां से वापस आता है तो खुदाए ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है कि दूसरे दिन तक इस पर दुरूद भेजें और इसके लिए तलब मगफरत करें। 24 घंटे की ड्यूटी, दुरूद, दुरूद का सवाब कितना है कि फरिश्ते भी हिसाब नहीं लगा पाते। अगर मुनासिब समझें तो पढ़ ही दें। चलिए, बहरहाल आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं, जितना किया आपने उतना बहुत अच्छा। फिर ये कहते हैं, अभी जाते नहीं हैं, फिर क्या कहते हैं, खुशहाल तेरा, बहुत तेरे लिए मुबारक हो, बहिश्त जन्नत तेरे लिए मुबारक हो, और इसको बहिश्त में इतनी वसी जगह मिलती है,
इतनी बड़ी जगह मिलती है जो अयादत करके लिए आया है, किसी मरीज को देख के आया है, कि 40 बरस तक अगर इसमें घोड़े दौड़ाए जाएं तो भी वो जगह खत्म नहीं होती। अगर घोड़े से हिंदुस्तान के इस सिरे से उस सिरे जाया जाए तो भी शायद एक आध महीने में हो जाए। ये तो 40 बरस तक कंटिन्यू दौड़ता रहे, इतनी बड़ी जगह मिलेगी किसे, जो किसी मरीज की आयादत करता है। छठे इमाम फरमाते हैं, जो कोई शख्स किसी बीमार मुसलमान की आयादत को जाए, अगर सुबह गया है तो शाम तक, और अगर शाम के वक्त गया है तो सुबह तक, 70,000 फरिश्ते दुरूद भेजते रहते हैं। दूसरी हदीस में है कि कामिल आयादत यह है, मुकम्मल यानी आयादत का जो तरीका होता है ये यहां पर मुकम्मल हो जाता है, कामिल हो जाता है, कि बीमार के बाजू हाथ को, हाथ पर हाथ रख के इसकी सेहत के लिए दुआ की जाए और कम अज कम सूरह हम्द पढ़ा जाए, उसकी भी रवायत है, और जल्द उठ के चले आए, बहुत देर वहां बैठने का हुक्म नहीं है, जल्द उठ के चले आए, क्योंकि अहमकों की आयादत, बेवकूफों की आयादत, कम अकलों की आयादत अपनी बीमारी से ज्यादा गिरा गुजरती, बीमार को अपनी बीमारी से भी ज्यादा गिरा गुजरती। इब्तदाई दिनों में कोई बहुत लंबा बीमार हुआ, लेकिन इब्तदाई दिनों में जो शुरू के हैं इसमें उनकी आयादत के लिए जाना तो कुछ लेके जाना, जैसे सेब है, तरंज है, जो रवायतों में वारिद हुआ, खुशबू है। पैगंबर फरमाते हैं उलमा की ज़ियारत, अब यहां देखें दो हदीस और सुन लें, उलमा की ज़ियारत और मुलाकात खुदा के नजदीक खाने काबा के 70 तवाफ से अफजल है, 70 तवाफ से अफजल है, खुदा उलमा की ज़ियारत करने वाले के 70 दर्जात बुलंद करता है और खुदा उस पर रहमत नाजिल करता है, और और फरिश्ते ये गवाही देते हैं कि इस पर जन्नत वाजिब हो गई, मलाइका गवाही देते हैं जो उलमा की ज़ियारत करता कि इसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। पैगंबर ने फरमाया ए अबू ज़र, ऐ अबू ज़र, आलिम के पास बैठना जबकि वो मुज़ाकिरा कर रहा हो, जिक्र कर रहा हो, जैसे अभी हम बयान कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, ऐसे वक्त में आलिम के पास बैठना जब वो मुज़ाकिरा कर रहा हो, जिक्र कर रहा हो, तो खुदा के नजदीक 1,000 रातों से ज्यादा महबूब है। वो 1,000 रातें जो इबादत इलाही में गुजारी गई, 1,000 रातों से ज्यादा महबूब है, जिसमें से हर रात में 1,000 रकात नमाज पढ़ी गई, 1,000 रात से बेहतर है, और हर वो रात जिसमें 1,000 रकात नमाज आपने खड़े, उससे बेहतर क्या है, जब आलिम मुजाकिरा कर रहा हो, कुछ बयान कर रहा हो, उसको सुनना। ऐ अबू ज़र, आलिम के पास बैठना, 1,000 जंगों में शिरकत करने और पूरे कुरान की तिलावत से ज्यादा महबूब है, उससे ज्यादा महबूब है। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सब की हिदायत फरमाए, परवरदिगार हमारा खात्मा खैर पे फरमाए, हाजरीन की दिली हाजात को पूरा फरमा, परवरदिगार जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला के बनने के असबाब फराहम फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके ऐवान और अंसार में शुमार फरमा, व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ فرمائیے ورنہ میں خود اپنا مسئلہ بیان کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائل میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا ہوتی ہے تقلید سے تقلید کے بغیر کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے یا انسان خود مجتہد ہو جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے
उस दर्जे तक पहुंचना और उस मंजिल को हासिल करना। अगर इंसान उस दर्जे तक नहीं पहुंच सका है तो फिर अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुज्तहिद जामे उस शरायत की तकलीद करे। तकलीद के सिलसिले में खुद हदीसें हैं, रवायतें हैं, बस थोड़े से नादान अफराद आजकल ये जो यूट्यूब के ऊपर क्लिपें आती हैं इनके बहकावे में आ जाते हैं और बेचारे वो तकलीद के ऊपर एतराज़ करने लगते हैं, मराजे को बुरा भला कहने लगते हैं और बाकी और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इमामों के ज़माने में कहाँ था और इमामों के गैबत के सुगरा के ज़माने में कहाँ था और उसके बाद कहाँ था और ये तो अभी इन मौलवियों की अपनी बनाई हुई है। तो बहरहाल इस सिलसिले में एक साल आपको याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक में हमारा पूरा एक मौजू था और उसमें मैंने बयान किया था कि ख़ुद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में जो उलमा और फ़ुकहा थे और उन उलमा और फ़ुकहा की कद्र जो आइम्मा करते थे, अभी आप उलमा के सिलसिले में हदीस सुन रहे थे तो खुद मासूम अगर कह रहे हैं कि आलिम के पास जाओ तो इसका मतलब कि मासूम इनके ज़माने में भी कोई आलिम रहा होगा और उन्हीं आलिमों ही के लिए तो मासूम कह रहे थे कि जाके उनके पास बैठो। खुद छठे इमाम के ज़माने में भी एक बहुत आपके शागिर्दों ही में से कुछ ऐसे अफराद मिले हैं कि जिनके लिए खुद छठे इमाम ने हुक्म दिया कि तुम फलां जाकर जगह जाकर मेरी हदीसें बयान करो और वहाँ तुम जो भी हदीसों के मुताबिक जो भी तुमसे सवाल हो और अगर मेरे बयान के मुताबिक तुमने जवाब दिया है तुम मुतमईन रहना, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने अपनी तरफ से नहीं कहा। इसी का नाम तो इज्तिहाद है कि हदीस से और कुरान की आयतों से इस्तिनबात करना, निकालना और उसमें से जो चीज़ निकले, एक तरफ कुरान है उसमें एक आयत है, एक तरफ हदीस है, हदीस में कहीं के ऊपर लिखा है कि इतनी अहमियत नहीं है, एक लिखा है कि मकरूह है, एक लिखा हराम है, अब इन तीनों हदीसों को कैसे जमा किया जाए। तो रावियों को देखा जाता है, जगह को देखा जाता है, मौके महल को देखा जाता है, फिर कुरान की आयत से उसकी तदबीक की जाती है। एक बाकायदा एक पूरा एक इसका तरीका है, एक सिस्टम है और उसके बाद फिर कहीं जाके एक मसला हमारे सामने आता है। तो इंसान या तो खुद मुज्तहिद हो और या फिर मुज्तहिद जामिउ शरायत की तकलीद करे, कोई तीसरा रास्ता हमारे सामने नहीं है। एक रास्ता एहतियात वाला है लेकिन वो एहतियात वाले रास्ते के ऊपर भी चलने के लिए मुज्तहिद होना ज़रूरी है और बग़ैर इल्म के एहतियात वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता है। ख़ुद अगर आप तकलीद के मसले में जाएंगे तो 11 नंबर का जो मसला है, इंसान को जो मसले रोज़ पेश आते हैं, मसलन नमाज है, इंसान नमाज को तो रोज़ पढ़ना है, तो जो मसले रोज़ पेश आते हों उनका सीखना याद करना वाजिब है। मैंने अभी दो हफ्ते पहले एक मजलिस में बयान किया था कि एक होता है वाजिब ऐनी, एक इल्म होता है वाजिब ऐनी और एक इल्म होता है वाजिब किफाई। वाजिब ऐनी वो इल्म है जो हर इंसान को सीखना है और वाजिब किफाई वो इल्म है अगर एक सीख ले तो दूसरों के ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। वाजिब किफाई जैसे इज्तिहाद हमारे सब के लिए मुज्तहिद होना वाजिब नहीं है। अगर कोई एक दुनिया में मुज्तहिद हो जाता है तो हमारे ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक इल्म है वाजिब ऐनी जो सबको सीखना है, वो क्या है? मसलन नमाज का तरीका, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, कम से कम दो सुरों का याद होना। तो अगर आप या इसी तरीके से आप रोज़गार कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या नजीस है, क्या पाक है, ये जो रोज़ाना मसले सामने आते हैं, इन रोज़ाना सामने आने वाले मसलों का सीखना हर इंसान के ऊपर वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। और सवाल करने में, मसला पूछने में, इल्म हासिल करने में, जानने में शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म बहुत अच्छी चीज़ है, हया बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन इल्म सीखने में इसकी मजम्मत की गई है कि अगर तुम इल्म सीखने या सवाल करने में शर्म करोगे तो महरूम रह जाओगे, तुम तक इल्म नहीं पहुंच सकेगा, तुम जाहिल रह जाओगे। लिहाजा अगर कोई बात हमको नहीं मालूम है तो वो हमको मालूम कर लेना चाहिए। बस वक्त पूरा हो गया, उस परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है महबूद इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबको इल्म और अमल के जेवर से आरास्ता फरमा, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा कर इस तर्ज में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमिन और वो तमाम मोमिनीन की जो आज हमारे दरमियान में नहीं है उनकी अरवाह को बख्श दें। بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما।